मॉर्निंग्स टू ऑल, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फेबलस EDU। आज के लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेजिडेंट कौन थी? हमारे पास ऑप्शन हैं सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचिता कृपलानी। इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट। चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए कुछ इमेजेस मैं ऑलरेडी पुट कर देता हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। कब बनी थी? 1917 में। और अगर आपसे कोई पूछता है कि पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो आपने क्या ध्यान रखना है? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू पहली भारतीय गवर्नर भी बनी थी। पहली भारतीय गवर्नर भी बनी थी। कौन से स्टेट की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। कब बनी थी? आज़ादी के दिन से 15 अगस्त 1947 से लेके 2 मार्च 1949। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सरोजिनी नायडू की एक डॉटर थी जिसका नाम था पद्मजा नायडू। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है इंडियन हिस्ट्री की टिल नाउ। अब तक 11 साल तक वो गवर्नर रही थी, 1956 से लेके 1967 तक। किसकी रही थी? वेस्ट बंगाल की। इसके अलावा सुचिता कृपलानी इंडिया की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। कौन से स्टेट की थी? यूपी की थी। कब थी? 1963 से लेके 1967 तक। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करते हैं एनी बेसेंट से रिलेटेड। उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की थी इंडिया में रहते हुए, ठीक है। एनी बेसेंट एक सोशलिस्ट थी, ठीक है, समाज सेविक थी, और वो इंडिया में ही रही थी, ठीक है, काफ़ी दिनों तक रही थी इंडिया में, और आज़ादी के टाइम पर उनका काफ़ी योगदान रहा था हमारे देश में। तो एनी बेसेंट फाउंडेड यंग मैन इंडियन एसोसिएशन, यंग मैन इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड की थी 1914 में। इसका काम क्या था, उद्देश्य क्या था इसका बनाने का, कि जितने भी नौजवान हैं वो देश हित में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचे, और साथ ही साथ अपनी जो हेल्थ है उसके ऊपर ध्यान रखें और फिजिक स्ट्रॉन्ग बना के रखे, उनका मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बने और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बने रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने यंग मैंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके अलावा काफ़ी बार पेपर पूछा जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो आपने ध्यान रखना बनारस में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। किसने करवाई थी? एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने करवाई थी, डन है। इसके अलावा होम रूल लीग भी स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो पहला होम रूल लीग का जो पहला अपना मूवमेंट हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहाँ से किया था? मुंबई से किया था। कब किया था? बेलगांव में अप्रैल में किया था 1916 में ही एनी बेसेंट ने भी किया था, ठीक है। वो कहाँ से किया था? मद्रास से किया था, सेम 1916 में। तो अलग अलग जगह से होम रूल लीग की लिए जो आंदोलन था वो किया था। तो अगर बात करते हैं बॉम्बे से किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। एनी बेसेंट ने कहाँ से किया था? मद्रास से किया था, ठीक है। इसके अलावा एनी बेसेंट ने कुछ न्यूज़पेपर भी निकाले थे जिसे हम जर्नल्स बोलते हैं। उन न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो नाम क्या था? द न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। इसके अलावा मंथली मैगजीन भी निकालती थी, मंथली पत्रिका भी निकालती थी जो इंग्लिश में निकालती थी। उस जो पत्रिका थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्त्री धर्मा। क्या नाम था? स्त्री धर्मा। इसके अलावा एनी बेसेंट ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। उन्होंने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था कंट्रोल ऑफ बर्थ, मतलब कि जो आपकी जनसंख्या बढ़ रही है इसके लिए बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पक्ष रखा था कि हाँ ये करना चाहिए। तो ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि थी जो हमें याद रखनी है। तो पहली महिला ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में थी कि जिसने बोला कि बर्थ कंट्रोल करना चाहिए पॉपुलेशन के से रिलेटेड। ओके, वेट, नेक्स्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन।
प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरपर्सन कौन थे? अब आपके प्लानिंग कमीशन होता क्या है? प्लानिंग कमीशन का काम था देश को कैसे प्रगति करे, इसके लिए कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक प्लान बनाते थे। जो हमारा 5 साल का प्लान होता था, कितने ईयर का प्लान होता था, 5 ईयर प्लान होता था, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना चेयरपर्सन थे, पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो ये पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कब हुआ था? अगर कोई आपसे पूछता है प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 में स्टार्ट हुआ था। और कब तक ये लागू रहा? 17 अगस्त 1914 तक ये लागू रहा। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो लास्ट प्लानिंग कमीशन था वो कौन सा वाला था, तो आपने ध्यान रखना है वो 12th था हमारा। कौन सा था? 12th। और कब से कब तक था, तो आपने ध्यान रखना है 2012 से लेके 2070 तक था, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछता है कि जो प्लानिंग कमीशन था, अब उसका नाम क्या है, तो अब जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो हमारे वो चेयरपर्सन है पीएम नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करते हैं जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमसे। जस्ट फॉर मोमेंट। जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनकी जो परदादा थे, जो इनकी रूट्स थी, वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी, इसलिए इनके नाम के आगे पंडित लगाया जाता है, ठीक है। और बाल दिवस और चिल्ड्रन डे भी इनके जो जन्म दिवस है उस दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो। इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम था विजया लक्ष्मी। क्या नाम था? विजया लक्ष्मी, जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई प्रेसिडेंट और वो भी भारत की, ठीक है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो पहली कौन थी? विजय लक्ष्मी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जवाहरलाल नेहरू को पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए 11 बार नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, 11 बार किया था, बट उनको मिला नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है। हो सकता है वो भारतीय थी इस वजह से। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? एक न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर का नाम था नेशनल हेराल्ड, ठीक है, वो किया था 1938 में। इसके अलावा जब भारत आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के टाइम पे जो उन्होंने स्पीच दी थी शाम के टाइम जवाहरलाल नेहरू ने, तो उसमें कौन से वर्ड यूज़ किए थे? ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये लिखा है टायर्स्ट विद डेस्टनी। तो ये आपने याद कर लेना है, एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स भी थी। इंपॉर्टेंट बुक्स में से है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर एंड ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हमने याद रखनी है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि भारत एक खोज जो सीरियल था, जो नाटक था, वो कौन से नॉवल के ऊपर बेस है? तो किसके ऊपर बेस है भारत एक खोज? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये किसने बनाया था? श्याम बेनेगल ने बनाया था। किसने बनाया था? श्याम बेनेगल ने। आई डोंट थिंक कि अभी आपको कोई डाउट होगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमिश्नर। इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। अगर अगर हम बात करते हैं यूपीएससी के इस टाइम करंट में चेयरपर्सन कौन है, वो है प्रदीप कुमार जोशी। अगर बोलते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, वो अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो रविंद्रनाथ कोविंद। अगर पूछते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, मैं इसलिए इमेज लगाता हूँ कि आप उनको याद कर सके, क्योंकि जो हम लिखा हुआ याद करते हैं थोड़ा कम रहता है, जो हम विजुलाइज करते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम याद रहता है, इसलिए मैं इमेज लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। एम वेंकैया नायडू। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया कौन है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? किसी को मालूम है? ओके, तो उसका आंसर होगा जो अपने प्रेसिडेंट हैं उनकी जो वाइफ है उनको फर्स्ट लेडी का भी, फर्स्ट
फर्स्ट लेडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो उनका नाम है सविता कोविंद, ठीक है, सविता कोविंद, तो आपने ये ध्यान रखना है। चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को कि जो राष्ट्रपति है वो उनका जो ऑफिस है वो है राष्ट्रपति भवन, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि समर के टाइम में उनका ऑफिस कहाँ पर है और विंटर के टाइम पे कौन सा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ, एक है आपका हैदराबाद में, एक है शिमला में, कौन सा है, क्या नाम है, ये आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप अभी फिलहाल ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, डन है। काफ़ी कंटेंट इसी लेक्चर में करने हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड तेज करना पड़ेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी। लास्ट हम धनानन तक हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था, ध्यान रखना कि हम सिस्टम से पढ़ते आ रहे हैं, वैदिक से पढ़ते आए हैं, स्टोन एज पढ़ा, फिर उसके बाद हमने हड़प्पा पढ़ा, फिर वैदिक पढ़ा, उसके बाद ये सारे वंश पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि डेट्स का ध्यान रहे, इसलिए मैं आपको डेट स्पेसिफिक लिख रहा हूँ। तो जो अपना मौर्य वंश था वो 322 से लेके 185 तक रहा था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ कब तक शासन किया था, 322 से 298 बिफोर क्राइस्ट एरा तक किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस किस को हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दो इंपॉर्टेंट शासकों को हराया था, बाकी छोटे मोटे राज्य तो उन्होंने मिलाए थे, बट दो बड़े बड़े लोगों को हराया था उन्होंने। एक तो धनानंद को हराया था, किसको हराया था, धनानंद को हराया था, जो नंद डायनेस्टी को उन्होंने फिनिश किया था और अपना मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। इसके अलावा उन्होंने एक और हराया था आपका सेल्यूलस निकेटर फर्स्ट को, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मैगथनीज क्या है, मैगथनीज मैगथनीज एक आपके साहित्यकार थे, ठीक है, उसमें मौर्य वंश के बारे में बताया जाता है, मौर्य वंश में क्या क्या था उससे रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है। तो मैगथनीज ने एक साहित्य लिखा था, उसका नाम क्या था, इंडिका। ऐसे ही अगर कौटिल्य ने एक साहित्य लिखा था, उसका नाम था अर्थशास्त्र, क्या नाम था, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर दो चीज़ें भिन्न हो जाती हैं आपकी, जो अपने कौटिल्य थे उन्होंने बोला था कि भारतीय समाज जो है चार वर्णों में बटा हुआ है, ठीक है, क्षत्रिय शूद्र इन वालों में, ठीक है, और जो मैगथनीज हैं ये बोलते हैं कि सात वर्णों में बटा हुआ था। तो इनकी ये दो एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, ठीक है। इसके अलावा मैगथनीज बोलते हैं कि इंडिया में दास प्रथा नहीं थी, क्या बोलते हैं, दास प्रथा नहीं थी, और जो चाणक्य बोलते हैं उस बोलते हैं उस समय में इंडिया में दास प्रथा थी। तो ये दो मतभेद नहीं मिलते, एक ही समय में एक ही टाइम के जो दो लोग थे, दोनों ने दो दो ग्रंथ लिखे थे, तो इन दोनों में दोनों का दो मतभेद हैं, तो ये ध्यान रखना आपने, बाकी इन्होंने बता रखी थी ये चीज़ें। इसके अलावा आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर के साथ, द ग्रेट सिकंदर के साथ कंटेम्प्रेरी किस राज्य का शासन चल रहा था, तो आपने ध्यान रखना है अलेक्जेंडर किंग जो सिकंदर थे उसके साथ कंटेम्प्रेरी अगर किसी का राज्य चल रहा था तो हमारे कौन थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन और आंसर है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। मुंडा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक साहित्य था, वो किसने लिखा था, तो वो लिखा था विशाख दत्त ने। उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे किस तरह पूरा शासन एक्वायर करते जा रहे थे, पूरे भारत पे कब्जा कर रहे थे, ठीक है, और कैसे वो युद्ध जीत रहे थे, उनकी सारी कुटिल नीतियाँ सब कुछ उन्होंने मुद्रा राक्षस में लिखा है, और ये किसने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। एक और कॉन्ट्रेरी बातें हैं इन दोनों में, जितने भी बौद्ध और जैन धर्म है, जितने भी बौद्ध और जैन धर्म है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को, बौद्ध और जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं ये क्षत्रिय थे, ठीक है, क्षत्रिय थे, और जितने भी अपने इंडियन साहित्य हैं वो बोलते थे ये शूद्र हैं, ठीक है। एक और ये कॉन्टेम्परेरी बातें चल रही होती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य में के पास उस समय की सबसे बड़ी विशाल सेना थी, कहा जाता है उनके पास 6 लाख सोल्जर थे, सैनिक थे, 30 लाख घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। तो उस समय इतनी बड़ी सेना रखना आम बात नहीं थी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी कैसे कैसे विस्तार किया था, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने मैप इसलिए दिया है, आप मैप को थोड़ा जूम करके आप देखेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कहाँ पर क्या क्या था, ठीक है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला आपका जम्मू एंड कश्मीर के पास पड़ गया, ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा विजुलाइज करने के लिए दिया था, ठीक है। आप इनको याद से देखना तो आपको थोड़े आइडिया लग जाएंगे हम कहाँ कहाँ की क्या क्या बातें कर रहे थे। नॉलेज इज़ पावर, ठीक है,
ज्ञान ही शक्ति है, ये जो स्लोगन था ये चंद्रगुप्त मौर्य का दिया हुआ था अपने राज्य में। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बहुत सालों से पीछे जब चला हुआ आ रहा था, बहुत जन्मों से चला आ रहा था, राजा का बेटा राजा बनेगा। बट ये कॉन्सेप्ट जो है ध्वस्त किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जो उसके काबिल है वो राजा बनेगा। तो नॉलेज इज पावर इस समय की सबसे स्ट्रॉन्ग इनका मैसेज था। इसके बाद इनकी एक वाइफ थी, ठीक है, दुर्धरा, उनसे इनका बच्चा हुआ था बिंदुसार, जो बाद में इनका शासन संभालेगा। इससे रिलेटेड है कि वो पॉइजन कैसे ले लिया था उनकी माँ का, फिर उनका माँ का जो गर्भ को काट के बिंदुसार को निकाला था, ये स्टोरी है। बट ये एग्जाम में आती नहीं है इसलिए मैं आप उसका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा गया है कि जो मौर्य, जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने सलेखन विधि और फास्टिंग के जरिए अपने डेथ, और क्या बोलते हैं, पवित्र इनका एक रीति होती है कि मतलब भूखे प्यासे अपने प्राण त्याग करने होते हैं, तो ऐसे इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ त्यागे थे ये इम्पोर्टेंट है, तो वो है सरवन बेलगोला। क्या है? सरवन बेलगोला में इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, और इन्होंने अपनी मर्जी से राज्य छोड़कर गए थे, जैन मॉन्क बन गए थे, जैन धर्म को अपनाया था और फिर सलेखन विधि की थी। ठीक है, इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि ग्रीक और पर्शियन लिटरेचर में, साहित्य में, दो वर्ड बार बार लिखे गए थे, एक था सेंड्रोकोटस, एक था एंड्रोकोटस। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था ये किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर जब इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो विलियम जोन्स एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया कि ये जितनी भी बातें हो रही हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो रही है। ठीक है, जो आपका ग्रीक और पर्शियन लिटरेचर में लिखा हुआ था, इसके बारे में बताया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीकृत राज्य का कॉन्सेप्ट कौन से राजवंश ने दिया था? तो मौर्य राजवंश ने ये दिया था। ठीक है, इसके अलावा विलियम जोन्स ने ही बताया था कि धनानंद बहुत स्ट्रोंग रूलर था। ठीक है, तो उसको कुटिल नीति से कैसे हराया था? विलियम जोन्स कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से कोई डील की थी। ठीक है, डील की और उसने धनानंद के ऊपर अटैक किया, उसने कुछ असिस्टेंस दी और उसने धनानंद को हरा के ये वाला राज्य एक्वायर करके चले गए थे। ठीक है, ये वाला एक्वायर करके चले गए थे। ठीक है, उसके बाद सिकंदर यहाँ से चला गया था। तो वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मिली भगत से, विलियम जोन्स ने अपने नोट्स और किताबों में लिखा है, धनानंद को हराया था सिकंदर की, उसने हेल्प ली थी। बट कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं इसके, बट उन्होंने विलियम जोन्स ने कहा, अगर किसने कहा है तो विलियम जोन्स ने कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में दो अच्छे मतलब बड़े बड़े जो युद्ध किए थे जिनके बारे में पूछा था, एक तो धनानंद को हराया था। ठीक है, दूसरा उन्होंने सेलुलस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेलुलस निकेटर को हराया था। सेलुलस निकेटर कौन थे? वो एडमिनिस्ट्रेटर थे आपके सिंध और अफगानिस्तान प्रांत के। अलेक्जेंडर ने जैसे नंदा डायनेस्टी के धनानंद को हराया था, ठीक है, उसके बाद ये वाले जितने भी थे एडमिनिस्ट्रेटर, ये इनको दे के चले गए थे कि आप संभालो, सेलुस निकेटर। ठीक है, जब उनको ये सब कुछ दे दिया था, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य की इनके साथ लड़ाई हुई और चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सारा का सारा राज्य ले लिया था। लेने का मतलब है कि इन्होंने संधि कर ली थी। संधि कैसे की थी? कि जैसे वो हार गए सेलुस निकेटर, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और आपस में उनकी सहमति हो गई, तो उन्होंने क्या किया, सेलुस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी, तो पहली वाइफ इनकी धुर्धरा थी, दूसरी हेलेना से शादी कर दी इनकी। ठीक है, और इसके बदले में 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुस निकेटर को दे दिए। ठीक है, और चार प्रांत, बड़े बड़े जो अपने प्रांत थे, ये सारे के सारे अफगानिस्तान और ये सिंध वाला, ये सारा सारा प्रांत उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और साथ में मैथनीस भी उन्होंने दिया था इनके दरबार में, जिन्होंने आपकी इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये फैक्ट्स आपने याद रखने, भूलने नहीं हैं। ओके, इसके बाद आपके आते हैं बिंदुसार। ठीक है, इनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार जो हैं उन्होंने डक्कन में साउथ की साइड में सारा का सारा चीज़ें एक्वायर कर रही थी, एक्सेप्ट कलिंग, उड़ीसा को छोड़ के उन्होंने सारा का सारा राज्य लगभग एक्वायर कर लिया था साउथ में। ठीक है, तो बिंदुसार जो हैं, बिंदुसार का जो शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का 322 टू 298 था, 298 से 273 तक बिंदुसार का
शासन चला था, ठीक है। इनको बोला जाता है द सन ऑफ ए ग्रेट फादर एंड द फादर ऑफ ए ग्रेट सन। वो कौन राजा थे जिनके फादर भी एक बड़े राजा थे और जिसका बेटा भी एक बड़ा राजा बना, ठीक है। तो वो कौन थे? बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इनके फादर थे और द ग्रेट किंग अशोका इनके सन थे, इसलिए ये टैगलाइन इनको दी गई है। इसके अलावा इनको अमित्रघात भी बोला जाता है। अमित्रघात इनको इसलिए बोला जाता है कि स्लेयर्स ऑफ एनिमी, शत्रु विनाशक बोला जाता था इनको। इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। साथ ही साथ इनको सिंहसेन भी बोला गया है। क्या बोला गया? सिंहसेन। जितने भी जैन लिटरेचर्स हैं और बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें इनको सिंहसेन से वर्णित किया गया है। इसके अलावा जो सेलुलस निकेटर ने चार प्रांत दिए थे वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन के बाद वहाँ पर विद्रोह छिड़ जाता था, जहाँ जिसको हम तक्षशिला बोलते हैं, ठीक है, उस साइड में एरिया में विद्रोह छिड़ जाता था। तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने सुशीन को भेजा। सुशीन उस विद्रोह को अच्छी तरह दबा नहीं पाए, तब उसके बाद उन्होंने अशोका को भेजा। अशोका वहाँ पे गए, उन्होंने सारे विद्रोही को अच्छी तरह दबा दिया था। तब से अशोका को एक अच्छा शासक मानने लग गए थे, जनता भी उन्हें एज ए किंग मानने लग गई थी, और ऐसे इसी उपलब्धि की वजह से उसको एज ए किंग देखने लग गए थे सब सारे के सारे लोगों को, ठीक है। इसके अलावा इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेन रिलेशनशिप्स थे दूसरे राज्यों के साथ, ठीक है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सीरिया के राजा थे कौन से थे? सीरिया के राजा थे एंटोकियस। क्या नाम थे? एंटोकियस। इनको इन्होंने पत्र लिखा बिंदुसार ने और बोला कि मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें मांगी थी? एक तो मांगे थे सूखे अंजीर, एक मांगा था दार्शनिक और एक मांगा था अंगूरी शराब। सूखे अंजीर आपके होते हैं ड्राई फिग, दार्शनिक आपका लिटरेचर जो आपके साहित्यकार होते हैं, और अंगूरी शराब मतलब कि वाइन, ग्रेप वाइन मांगी थी उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, हम आपको सब कुछ दे देंगे बट हम दार्शनिक ना हमारे परंपरा में प्रचलित नहीं है। तो उन्होंने दार्शनिक छोड़कर बाकी दोनों चीज़ें इनके पास पहुंचा दी थी, ठीक है। इसके अलावा एक डायनोसियस थे, एम्बेसडर थे, राजदूत थे, वो किसके शासनकाल में आए थे? पेपर में पूछा जाता है किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो आपने क्या ध्यान रखना है? वो बिंदुसार के टाइम पर आए थे। फिर पूछा जाता है कहाँ से आए थे, तो आपने क्या ध्यान रखना है? इजिप्ट से आए थे। फिर पूछा जाता है किस राजा ने भेजा था, तो वो टोलमी सेकेंड फिलाडेल्फस ने भेजा था, ठीक है। तो आपके चार क्वेश्चंस बनते हैं, आपने वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद द ग्रेट किंग अशोका के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिंदुसार का जो शासनकाल था 298 से 273 तक चला था, ठीक है। 273 के बाद, 273 से लेके 232 तक अशोका ने राज किया था, बट एक्चुअली में उन्होंने यहाँ से नहीं किया था, वो राजा बने थे 269 में। कब बने थे? 269 में। इसके पीछे स्पेसिफिक रीजन है। जैसे ही बिंदुसार वृद्ध होकर जब एक्सपायर हो गए थे, तो राजा बनने के लिए क्या किया कि इनके भाइयों ने ना इनकी माँ की हत्या कर दी थी। जब इनकी माँ की हत्या कर दी थी तब वो अवंती राज्य के राजपाल थे। क्या थे? गवर्नर थे। तो इनको 4 साल लग गए अपने 99 भाइयों को मारने में। तो ये हिंदी साहित्य तो बोलते हैं कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था, बट बौद्ध और जैन ग्रंथ में इनके बारे में बोलते हैं कि मारा नहीं था, ठीक है। बट आपने ध्यान रखना कि 4 साल बाद शासन किया था। तो अगर आपको अगर 269 भी लिखा हुआ आता है तो आप वो रख लीजिएगा, बाकी ज़्यादातर किताबों में 273 लिखा हुआ अपना, डन है। कलिंग को छोड़ के बिंदुसार ने सारा राज्य डेक्कन में साउथ में ले लिया था। कलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्या था? कलिंग इम्पोर्टेंट था एक तो सिक्योरिटी पर्पज़ से, कोई भारी आक्रमण ना कर पाए उस साइड से, और बिजनेस पर्पज़ से भी उस टाइम कलिंग बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। इसलिए कलिंग पर चंद्र अशोका ने युद्ध कर दिया और उसको जीत लिया था। लगभग 1.5 लाख के करीब उन्होंने, 1 लाख 1.5 लाख के करीब लोग मार दिए थे और फिर बंदी भी बना दिए थे इतनी, ठीक है। इसके अलावा द ग्रेट किंग अशोक एक दूसरा नाम भी था जिसको हम देव नाम प्रिय या प्रियदर्शनी भी बोलते, ठीक है। उसका मतलब है भगवान को प्यार करने वाला या भगवान के समीप रहने वाला, ठीक है। अशोका का नाम अशोक था, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो ये मास्की और गुर्जरा स्क्रिप्ट में उनके अभिलेख में लिखा हुआ है कि अशोक का नाम अशोक था। तो ये भी पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध अशोका ने धम्म नीति अपनाई थी, कौन सी?
धम्म नीति अपनाई थी, ये कौन से शिलालेख के पर चलता है? तो ये हमें 13 शिलालेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? 13 शिलालेख से पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन किससे ली थी? तो वो जो दीक्षा देने वाले थे वो उपगुप्त मोंग थे। कौन से थे? उपगुप्त मोंग थे। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसके टाइम पर बौद्ध साम्राज्य या बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसारित हुआ? तो आपने क्या ध्यान रखा है, वो अशोका का गोल्डन टाइम पीरियड था जब उन्होंने सारा ये प्रचार प्रसार किया था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, आई होप सो। और कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर मैंने ज़्यादा तेज़ पढ़ाया है या स्लो पढ़ाया हो तो, ठीक है। ये आपका पूरा वीडियो अनकट है। ओके। किसी भी राज्य में राजा के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के जरिए आता है। तो टैक्स के उनके कुछ रूल्स थे। टैक्स के जो जो मेन व्यवसाय था उनका कृषि का था, तो कृषि पे उनके टैक्स के रूल थे। कहीं पे वो 1/6 लेते थे टोटल इनकम का, कहीं पे 1/4 लेते थे, ठीक है। इसके अलावा जो बिजनेस करते थे उनसे वो 1/10 लेते थे। और कॉटन की वहाँ पे उस टाइम इंडस्ट्री होती थी, बट उनके बड़े कड़े रूल थे। अगर कोई भी टैक्स की चोरी करता है मतलब डेथ, जिसने भी टैक्स की चोरी की मतलब डेथ। इंडिया में अभी है नहीं ऐसा, कुछ कंट्रियों में टैक्स चोरी के कुछ लूप होल छोड़ ही नहीं रखे, इसलिए काफ़ी देश डेवलप हो गए हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। इसके अलावा जितने भी उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ थी उनको स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किया। किस के जरिए किया? उन्होंने स्टोन स्क्रिप्ट कराए, अभिलेख पत्थरों पे लिखवाया, गुदवाया और बताया कि हमने यही उपलब्धियाँ की और धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने स्टोन स्क्रिप्ट में की थी, ठीक है। फिर अपने पास शिलालेख कितने हैं? 14 शिलालेख हैं अशोक के, ठीक है। हर एक शिलालेख में उन्होंने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी है, हम क्या करते थे, कैसे करते थे, कैसे कैसे करते थे, ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये 13th कि धम्म नीति उन्होंने कब अपनाई थी, ठीक है, और कलिंगा वॉर कब किया था, डन है। इसके अलावा एनिमल सेक्रीफाई और ह्यूमन की जो आदमी है उसकी जीवन की महत्वता उन्होंने पहले अभिलेख में बताई है, ठीक है। और एनिमल सेक्रीफाई नहीं करना ये भी बताया था उन्होंने। गवर्नेंस कैसे चलती थी, रिलीजन कैसे चलते थे उन्होंने 4th अभिलेख में बताया था। 5th अभिलेख में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रिलीजियस अमात्य घोषित कर दिए थे, यहाँ यहाँ पे ये अमात्य रहेंगे जो न्याय करेंगे। और 7वें 8वें अभिलेख में उन्होंने बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ किधर किधर कैसे कैसे यात्रा की थी, ठीक है। इसके अलावा जो जितने भी अभिलेख थे इनके मैक्सिमम 4 लैंग्वेज में थे, ब्राह्मी, क्रोस्टी या प्राकृत भी बोलते हैं उसको, या ग्रीक और अर्मेनिक। तो आपके जो अफगानिस्तान प्रांत के हो गए, आपके सिंध प्रांत के हो गए, वहाँ उस साइड आपके ग्रीक और अर्मेनिक में लिखा हुआ है, मैक्सिमम इनके ब्राह्मी में लिखा गया है, देन क्रोस्टी में लिखा हुआ है, ठीक है। इनके पिलर्स थे, स्तंभ लेख बोलते हैं, इनके स्तंभ लेख हैं, ठीक है। तो इनके 7 स्तंभ लेख हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में स्तंभ लेख लिखे गए हैं, स्टोन पिलर्स जो बोलते हैं, वो आपकी पाली और प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये भी आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो सारनाथ का नेशनल चिन्ह लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो भी आपके स्तंभ है यहाँ पे, सारनाथ का जो आपका पिलर है वहीं से आपके लिया गया है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो आपके 4 लॉयंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से लिया गया है। काफ़ी बार पेपर में पूछा था कितने लॉइंस हैं वहाँ पर, तो आपने कई बार 3 लगा देते हैं, वो 4 होते हैं, उसके बैक साइड में भी एक आपका लॉइन बना होता है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी बार पूछा था कि कौन कौन से उसमें एनिमल्स नीचे की तरफ होते हैं उस रास्ते प्रतीक में, तो आपने हेलो याद रखना है। क्या याद रखना है? हेलो। एच से आपका हॉर्स, ई से एलिफेंट, एल से लाइन, ओ से ओक्स, ठीक है, आप इससे भूलेंगे नहीं। और अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। इसके अलावा इन्होंने कुछ गुफा लेख भी करवाए थे। गुफा लेख मतलब कि पहाड़ों को कटवा कर, ठीक है, और फिर उनको अच्छी तरह चारों तरफ से कटवा कर चमका कर बौद्ध भिक्षुओं के लिए ठहरने के लिए वो जगह बना रखी थी। तो वो कहाँ मिलती हैं? तो ये हमें गया में मिलती है, ठीक है। ये बराबरी की केव्स होती हैं, ठीक है, जो अशोका ने बनवाई थी बिहार में, और नागार्जुन केव्स जो उनकी ग्रैंड सन दशरथ ने बनवाई थी, सबके सब ये गुफा लेख हैं, केव स्क्रिप्ट बोली जाती है इनको, ठीक है। इसके अलावा सांची के जो आपके स्तूप होते हैं ये, और भारतीयों के जो स्तूप होते हैं ये भी बनवाए थे इन्होंने। इनका काम क्या होता था? तो जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु होते थे, मरणोपरांत उनकी जो अवशेष होते हैं उनको इन स्तूपों में रखा जाता था, ठीक
ठीक है। पहले जब ये स्तूप बनते थे, इनके अवशेष रखने के बाद इनके चारों साइड ये लकड़ियों से इसको कवर कर देते थे, ठीक है। बट शगुन डायनेस्टी ने आके, इनके लकड़ियाँ तो वक्त के साथ ख़राब हो जाती हैं, तो इन्होंने पत्थर लगा दिए थे चारों साइड स्तूपों के, ठीक है। ये ध्यान रखना कि शगुन डायनेस्टी ने आके स्टोन लगवा दिए थे। इसके अलावा राजप्रसाद कौन से साम्राज्य से या कौन से वंश से संबंधित है? तो राजप्रसाद जो है आपका मौर्य साम्राज्य से है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बनवाया था, लगभग 80 बड़े बड़े स्टोन के पिलर के ऊपर ये पूरा महल बनवाया गया था। और उस समय के जितने भी यात्री थे वो बोलते थे कि ये स्वर्ग का महल टाइप का बना रखा था, इतना सुंदर बना रखा था उस जगह। ये पटना में था, पाटलिपुत्र में। और काफ़ी बार पूछा गया है कि जो स्टोन के तो पिलर थे, इसकी जो फर्श थी और ये जो दीवारें थी, ये किसे बनाई हुई थी? तो ये इसमें हमने लकड़ी का यूज़ किया हुआ था। किसका यूज़ किया हुआ था? लकड़ी का यूज़ किया हुआ था। बट वक्त के साथ ये सब डेटोरेट हो गई, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।